नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है राजेश खन्ना और ट्विंकल खन्ना का, जब राजेश खन्ना ने पहली बार बेटी ट्विंकल खन्ना को शराब पिला दी। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजेश खन्ना ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक ज़बरदस्त पहचान बनाई जो आज भी कायम है। राजेश खन्ना ने फिल्म आखिरी खत से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा कामयाबी फिल्म आराधना से मिली। राजेश खन्ना की बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना उनकी लाडली थी और एक्टर ने उनकी परवरिश भी बहुत खास अंदाज में की थी। राजेश खन्ना अपनी बेटी को रिलेशनशिप पर सलाह दिया करते थे और इतना ही नहीं, ट्विंकल खन्ना ने पहली बार शराब भी अपने पिता राजेश खन्ना के हाथों से ही पी थी। ट्विंकल खन्ना ने राजेश खन्ना से जुड़ी इस बात का खुलासा फादर्स डे पर साझा की गई अपनी एक पोस्ट में एक बार किया था। राजेश खन्ना के बारे में बात करते हुए ट्विंकल खन्ना ने कहा था कि उन्होंने मेरी माँ से कहा था कि मैं उन्हें माँ की ओर से मिला सबसे खास तोहफा हूँ। वो मुझे टीना बाबा कहकर बुलाते थे, कभी भी उन्होंने मुझे बेबी नहीं कहा। राजेश खन्ना द्वारा की गई परवरिश के बारे में बात करते हुए ट्विंकल खन्ना ने कहा था, उस वक्त तो मुझे ये एहसास ही नहीं हो पाया कि मेरी परवरिश बाकी बच्चियों से बिल्कुल अलग अंदाज में हुई थी। एक बार तो उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि कभी भी एक बॉयफ्रेंड मत बनाओ, हमेशा एक वक्त पर चार बॉयफ्रेंड बनाओ जिससे आपका दिल कभी भी न टूटे। ट्विंकल खन्ना ने राजेश खन्ना से जुड़ा किस्सा साझा करते हुए आगे लिखा कि वही एक इंसान थे जिन्होंने मुझे शराब की पहली घूंट पिलाई थी। आपको बता दें कि ट्विंकल खन्ना ने फिल्म बरसात से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, हालांकि उन्हें एक्टिंग में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और कुछ सालों के बाद ही उन्होंने बॉलीवुड को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। फिल्मों से इतर ट्विंकल खन्ना को लेखन में रुचि है। ट्विंकल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने उनके पिता राजेश खन्ना के द्वारा एक बहुत पहले जो भविष्यवाणी की थी वो उन्होंने सच कर दी है। राजेश खन्ना ने कहा था कि बेटी ट्विंकल लेखक बनेगी। इस बारे में ट्विंकल ने कहा था कि वो अपने दोस्तों को मेरी लिखी कविताएं दिखाते थे, उनसे कहते भी थे कि मैं किसी दिन राइटर बनूंगी। उनका कहना था कि मैं उनका बेटा हूं, बेटी नहीं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।